बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, वेलकम टू फूड बैंक विद समीना। आज मैं आपसे बहुत मज़ेदार, क्रीमी, हेल्दी वेजिटेबल झटपट बनने वाले सूप की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये सूप क्रीमी है लेकिन इसमें क्रीम नहीं, हेल्दी है लेकिन फैट नहीं है। बहुत मज़ेदार और यमी है। रेसिपी देखने के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक दरमियानी गाजर लेकर इसे बारीक काट लें। गाजर में बहुत से विटामिन ए, सी, ई, के होते हैं। ये आई साइट को बेहतर और एनीमिया की कमी को पूरा करते हैं। अब इस बारीक कटी हुई गाजर को एक प्लेट में डाल देते हैं। और ये आधा बंद गोभी का फूल है, इसे भी बारीक काट लेंगे। ये भी बहुत फ़ायदेमंद वेजिटेबल है। बीपी और कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखती है। वज़न कम करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसे भी एक बाउल में डालकर साइड पर रख देंगे। और एक सब्ज़ प्याज, इसका ग्रीन पार्ट पहले काट लेंगे। ये नेचुरल रेमेडी है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है और कैंसर से भी महफूज रखता है। अब इसका वाइट पार्ट ये भी काट लेंगे और इसे अलग प्लेट में रखेंगे। और ये ब्रोकली का एक फूल, इसे भी वॉश करके बारीक काट लिया है। चिकन सॉसेज, ये भी 4 पीसेज लिए हैं। आप इसकी जगह 2 टेबलस्पून चिकन स्टॉक डाल सकते हैं। इसे भी बारीक काट लेंगे। इसमें प्रोटीन और विटामिन बी हाई मिकदार में होते हैं। अब सूप बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ओलिव ऑयल डाल दें। फ्लेम स्लो रखें। ओलिव ऑयल हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। 1 टेबलस्पून होममेड बटर डाल दें और फिर सब्ज़ प्याज का वाइट पार्ट डालकर थोड़ी देर फ्राई करें। 10 सेकंड के बाद सॉसेज डालकर 2 मिनट तक फ्राई करें। फ्लेम मीडियम से स्लो रखें। 2 मिनट के बाद स्वीट कॉर्न डाल दें। इसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। आई साइट और मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं। वेट लूज और शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब इसमें 1/2 टीस्पून लहसुन का पाउडर डाल देते हैं। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं तो आप 2 लहसुन के जवे लेकर बारीक चॉप करके डाल दें। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करेंगे। कॉर्न में थोड़ा सा पानी होता है, जैसे ही पानी ड्राई हो जाए तो इसमें 1/2 टीस्पून थाइम डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे और फिर साथ ही इसमें 1/2 कप मटर उबले हुए डाल देंगे। मटर को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। मटर के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये जिंक, विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं। अब इसमें 1/4 टीस्पून ऑरिगैनो डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें बारीक कटी हुई गाजर डाल दें। अब मीडियम फ्लेम पर इन सब को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद इसमें ब्रोकली डाल दें। ब्रोकली को पहले मैंने 1 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। ब्रोकली हार्मोन्स बैलेंस को सपोर्ट करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। अब इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल दें और मिक्स करें। साथ ही इसमें बंद गोभी डालकर इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ब्रोकली स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इसमें बहुत मिनरल होते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैदा डालकर 2 मिनट फ्राई करेंगे। फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें ताकि मैदा और वेजिटेबल जले ही। ये सूप बहुत मज़ेदार और मिनटों में तैयार हो जाता है। बहुत हेल्दी और फ़ायदेमंद सूप है। अगर ये मिक्सचर ड्राई हो जाए तो इसमें 1.5 गिलास दूध लें और थोड़ा सा दूध डाल दें। वेजिटेबल थोड़ी स्मूथ हो जाएंगी। 1 मिनट तक फ्राई करें और फिर बाकी सारा दूध इसमें डाल दें। इसमें मैंने 2.5 गिलास यानी 700 ml दूध डाला है। अब इसमें 1 टीस्पून बारीक काली मिर्च पिसी हुई डाल दें। 1/2 टीस्पून नमक भी डाल देते हैं। 1/2 टीस्पून नमक पहले डाला था और 1/2 टीस्पून दोबारा डाला है। इस तरह 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। अब नमक को टेस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे कवर करके 3 मिनट तक गाढ़ा होने तक पकने देंगे। 3 मिनट के बाद लिड उठाकर चेक करेंगे तो ये देखें, ये काफ़ी थिक और क्रीमी हो चुका है। अब इसमें सब्ज़ प्याज जो मैंने पहले ही काट के रखा हुआ है वो इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और इसको 1 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। तो 1 मिनट हो चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में डाल लेते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें।
वाओ माशाल्लाह, देखने से ही बहुत क्रीमी, हेल्दी और मज़ेदार लग रहा है। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। घर में अगर खाना नहीं बना तो ये झटपट तैयार होने वाला सूप 10 मिनट में बनाएं और फिर देखें कितना मज़ेदार बनेगा। आप इसको रोज़ाना बनाकर खाना चाहेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह कितना क्रीमी और हेल्दी लग रहा है। इसमें कोई क्रीम नहीं और ना ही कोई फैट है। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार है। वाओ माशाल्लाह, उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते वो इस तरीके से ज़रूर खाएंगे। अब मैं इसका टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बनाएं। वाओ माशाल्लाह, सुपर डिलीशियस, बहुत मज़ेदार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें और अपना खूब ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।